हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमोपा वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि रहने वाली है हमारी स्टिचिंग की। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारी क्लासेस किसी को ज्वाइन करनी है मई से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा बेसिक का रहेगा। और एडवांस का आपको करना है तो आप 20 तारीख तक एडवांस का भी कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और सारी ही हमारी वीडियो जो हम डालते हैं वो डेली डालते हैं, तो डेली आप वीडियो देख सकते हैं जो कि स्टिचिंग की, कटिंग की, और हम जो स्टिच करके सूट बनाते हैं तो उनकी रहती है। आज का जो हमारा सूट का जो हमने बनाया है साड़ी से बनाया है, क्योंकि हमारे पास कल भी एक मैसेज आया था कि जो प्रिंटेड साड़ी होती है उसमें आप किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हैं, उसका कुछ डिज़ाइन हमें दिखाओ। तो आज हम वो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमने साड़ी में से ये सूट रेडी किया है। ये साड़ी थी, प्योर सिफोन की साड़ी है, इस तरीके से ये साड़ी थी। और ये इसका पल्लू था, तो पल्लू में से हमने किस तरीके से स्लीव्स निकाली हैं, और जयपुरी साड़ी है ये। अभी इसमें से हमें एक बेटी की भी उनकी कुर्ती रेडी करनी है, तो पहले उनकी मम्मी की दिखा दें किस तरीके से हमने रेडी की है। आपके पास भी कोई साड़ी है तो इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं। इसमें हमने स्ट्रेट में ये कलियां दी हैं, स्ट्रेट हमने यहाँ से रखा है, स्ट्रेट करके ये कलियाँ करके इसको हमने थोड़ा घेरा ज़्यादा करके बना दिया है। और नीचे की लाइनिंग को हमने बिल्कुल फ्री रखा है। लाइनिंग आप कॉटन की भी लगा सकते हैं, सेंटून डाई करके भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की लाइनिंग लेना चाहते हैं। अगर जैसे देखें कि गर्मियों का सीजन है तो आप कॉटन की लाइनिंग भी लगा सकते हैं। बाकी आप इस तरीके से जरूर देखें कि ट्रांजी आपको नहीं दिखना चाहिए, जैसे कि डार्क कलर है, डार्क कलर में कॉटन इजीली चल जाता है। लेकिन बट एक चीज और, जब भी आप कॉटन की लाइनिंग लगाएं और आपका सिफोन का फैब्रिक है तो सिफोन के फैब्रिक के साथ कॉटन की लाइनिंग को आप यहां से फ्री रखेंगे, जो कि कमर से है, फ्री रख देंगे। अदरवाइज आप इसको साथ में स्टिच करते हैं तो ये फ्लेयरी नहीं दिखेगा, और सिफोन का फैब्रिक फ्लेयर दिखना बहुत जरूरी है, उससे ही अच्छी गेटअप आती है। अगर हम इसको स्टिच कर देंगे तो इसमें खड़ापन रहता है बिल्कुल, इसलिए हम इसको फ्री रखते हैं। तो आपके जो भी सिफोन का, जॉर्जेट का कोई फैब्रिक है उससे आप कोई कुर्ती रेडी करना चाहते हैं तो यहाँ तक आप उसको ज्वाइंट रखेंगे अपनी लाइनिंग को कमर तक, जैसे कि हमने रखा है, उसके बाद आप उसको फ्री कर देंगे। अलग अलग आपकी ये स्टिचिंग होगा, अलग से ये स्टिच होगा और अलग से ही फिर इसको स्टिच किया जाएगा। सिंगल सिलाई में भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। और इसका घेरा हमने थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, और आप भी चाहे कोई स्लिम है या फिर थोड़ा हेल्दी है, दोनों तरीके से आप इसको स्टिच कर सकते हैं। दोनों तरीके, दोनों में ही ये अच्छा लगेगा, कोई भी इसको पहन सकता है, तो काफ़ी अच्छी गेटअप भी आती है। और जो इसका बॉर्डर था, ये इसका बॉर्डर था जो कि पूरी साड़ी पर था, तो हमने इसको पैनल पे ये इस तरीके से स्ट्रेट करके लगा दिया है, और वी नेक दिया है, बैक से छोटा रखा है। और इसका जो पल्लू था, पल्लू में से हमने इस तरीके से ये स्लीव्स निकाल दी है। और इसकी बॉटम के लिए हमने अलग से फैब्रिक लेके, जो कि संटून लिया है हमने, और उसको अलग से हमने डाई करके इसको अस्तर वाला लाइनिंग बनाया है, फुल लाइनिंग का हमने इसको रखा है। ऑलराउंड इलास्टिक रखी है, और इसके साथ हमने ये प्योर सिफोन का दुपट्टा भी हमने इसके साथ रेडी किया है। और जो इसका बॉर्डर था हमने इसको भी फोर साइड ऐड कर दिया है। ढाई मीटर का ही हमने इनको दुपट्टा दिया है ये। और जो पैनल पे लगाया था, जो हमने स्ट्रेट करके योक पे, वही हमने इसमें ये बॉर्डर को दुपट्टे में ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी, आपके पास साड़ी है तो आप उसको इस तरीके से रेडी कर सकते हैं साड़ी में से इजीली। और आप इसको ए लाइन भी बना सकते हैं इसमें। अगर आप शॉर्ट कुर्ती भी बनाना चाहें तो इसमें शॉर्ट कुर्ती के साथ आप इसके साथ नीचे स्कर्ट भी ले सकते हैं, अलग फैब्रिक की स्कर्ट, अलग फैब्रिक की ले लीजिए, जो कि आपकी जॉर्जेट या चिनोन में हो सकती है। या फिर आप लॉन्ग स्ट्रेट सूट भी बना सकते हैं इसमें से। और साड़ी को किस किस तरीके से रेडी करना, काफ़ी तरीके से आप इसको अलग अलग तरीके से रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये हमने यहाँ पे जो स्लीव्स में ऐड किया है, आप उसको योग में ऐड कर सकते हैं, नीचे बॉटम में, सॉरी नीचे जो आपका ये घेरा आता है यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। या फिर आप इसका सिर्फ, जैसे हमने ये लेसिस का काम किया है, आप ब्लू कलर को
इतना अंदर की तरफ योग लगा सकते हैं यहाँ पे, उसको इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। बाकी आप प्लेन रख सकते हैं, जो आपका दूसरा कलर है उसके साथ रख सकते हैं। पाकिस्तानी स्लीव्स में कभी भी लाइनिंग नहीं लगेगी, ये याद रखना, हमेशा ये विदाउट लाइनिंग ही बनेगा। और भी काफी आइडिया हैं, जैसे जैसे हम स्टिच करेंगे जरूर हम, क्योंकि ये हमारे फ्रेंड का काफी, उन्होंने हमारे पास मैसेज किया था, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप साड़ी का बताओ, तो इसीलिए हम ये साड़ी का बता रहे हैं, अदरवाइज शायद हम ये बताते भी ना, तो फिर ये वैसे ही हम नॉर्मल सूट की तरह दिखा देते और इसको खत्म करते। तो इस तरह की आपके मैसेज आते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें ये बात बतानी चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस बारे में मैसेज कर सकते हैं कि साड़ी का सूट या गाउन किस तरीके से बनता है, तो हम उसके लिए जरूर आपके लिए शेयर करेंगे वीडियो। एक और कुर्ती हमने रेडी की है जो कि चिनोन की रहेगी, आप ये भी देख सकते हैं। चिनोन आप इसको डाइवल फैब्रिक रहेगा, कोई भी कलर आप इसको डाई कर सकते हैं। इसमें हमने वाइल वाला जो कपड़ा आता है कॉटन का, कैमरिक कॉटन, वो हमने इसमें ऐड किया है, और इसमें आप कोई भी कलर ले सकते हैं, डाई करा सकते हैं। अगर आपको ये वाला सूट बाय करना है, खरीदना है, तो आप ये ले सकते हैं। इसके साथ जो बॉटम आएगी लाइक्रा की, इसके साथ पैंट आएगी, आप उसको भी ले सकते हैं। इसकी स्लीव्स देख सकते हैं, स्लीव्स हमने इस तरीके से बनाई है जो कि आगे से ये कफ बन जाएगा इस तरीके से, और कफ पे हमने ये बटन ऐड कर दिए हैं। बटन के साथ हमने ये पोटली बटन भी मल्टी कलर में ऐड किए हैं, और वी नेक पे भी हमने ये सारे पोटली बटन दे दिए हैं मल्टी कलर में ही, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से भी अगर आपको कोई कुर्ती रेडी करानी है, इसके साथ मल्टी कलर का दुपट्टा आएगा जो टाई एंड डाई में आएगा, पैंट आएगी लाइक्रा में आएगी, और आप कोई भी इस तरीके से अगर व्हाइट का व्हाइट भी लेना है और मल्टी कलर में दुपट्टा लेना है, उसका प्राइस भी आप हमसे पूछ सकते हैं कॉल मैसेज करके। पार्टी वेयर काफी अच्छा सूट बनने वाला है। अगर आपके आपको इसके साथ शरारा गरारा भी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी शरारा गरारा भी बना के दे देंगे। एक और कुर्ती हमने यही रेडी की है, ये सारी हमने सेल के लिए ही रेडी की है, और इसमें भी आप देख सकते हैं मल्टी कलर का ही हमने यहाँ पे बटन ऐड किए हैं, जो कि पोटली बटन रहेंगे, कफ वाली स्लीव्स रहेंगी, और पीछे जो हमने लटकन है आप देख सकते हैं, ये हमने लटकन भी मल्टी कलर में हैंडमेड इस तरीके से लटकन बना दी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी है, सबको पसंद आई है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, और डेली हम वीडियो डालते हैं स्टिचिंग की भी, और जिसको भी क्लासेस लेनी है, स्टिचिंग की वीडियो में समझ नहीं आता है, क्लासेस भी लेनी है, आप बेसिक टू एडवांस भी कर सकते हैं, बेसिक का भी कोर्स कर सकते हैं, या फिर एडवांस का भी कोर्स करना है तो आप एडवांस का भी कर सकते हैं। सारी डिटेल के लिए आप हमें कॉल मैसेज कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।